हेलो एवरीवन, दिस इज टुडे सेशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। टुडे वी विल डिस्कस मेनली फोर इशूज। द फर्स्ट इशू इज रिलेटेड टू एंटी कन्वर्जन लॉ इन यूपी। द सेकंड इशू इज काउंटिंग द पुअर हैविंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। द थर्ड इशू इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक। द फोर्थ इशू इज रिलेटेड टू स्टडी ऑन डायबिटीज। सो लेट्स डिस्कस ऑल द इशूज ऑन यूपीज स्ट्रिंजेंट एंटी कन्वर्जन लॉ। वर्ड इज इशू। द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन जुलाई 30 पास द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024, एल्टरिंग द ओरिजिनल 2021 एंटी कन्वर्जन लॉ बाय मेकिंग इट्स प्रोविजन्स मोर स्ट्रिंजेंट। यूपी के अंदर यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली ने उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 पास किया है, जिसमें कुछ प्रीवियस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं। इट मीन्स 2021 का जो एंटी कन्वर्जन एक्ट था उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, और उन अमेंडमेंट्स के अंदर जो भी प्रोविजन अभी न्यू इंक्लूड किए गए हैं वो पुराने प्रोविजन जो भी थे उनको स्ट्रिंजेंट किया गया, यानी स्टेट किया गया है। एंटी कन्वर्जन लॉ रेस्ट्रिक्ट रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू मैरिज, डिसीट, कोर्शन और एंटाइसमेंट। एंटी कन्वर्जन लॉ जो वेरियस स्टेट के अंदर है, इंडिया के अंदर, ये किसी भी टाइप का रिलीजन कन्वर्जन अगर किया जाता है मैरिज के थ्रू, डिसीटफुल्ली, या फिर कोर्शन या फिर एंटाइसमेंट के थ्रू अगर रिलीजन का कन्वर्जन कराया जाता है तो उसके अगेंस्ट ये लॉ है। दीज मेजर्स आर ऑस्टेंसिवली एम्ड एट कॉम्बैटिंग लव जिहाद, अ थ्योरी प्राइमरली प्रोमोटेड बाय द हिंदू ग्रुप विच एलिजेस दैट इंटरफेथ मैरिजेज आर साइट्स ऑफ पोटेंशियल फोर्स्ड कन्वर्जन्स। हिंदू ग्रुप के एक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसको लव जिहाद कहते हैं, उस लव जिहाद से कॉम्बैट करने के लिए ये न्यू बिल या न्यू एक्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है। यूपी के अंदर, यूपी से अलग अदर स्टेट के अंदर भी एंटी कन्वर्जन लॉ पहले से प्रिवेल है। वाई वॉज द अमेंडमेंट प्रपोज्ड? अभी जो ये अमेंडमेंट किए गए हैं, क्योंकि यूपी के अंदर 2021 का एक्ट भी है, इससे रिलेटेड एंटी कन्वर्जन लॉ 2021 भी है, बट इसके अंदर जो अमेंडमेंट करने के लिए न्यू बिल लाया गया है, इस बिल की जरूरत क्यों पड़े? प्रोविजंस ऑफ 2021 एक्ट वर नॉट सफिशियंट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल रिलीजियस कन्वर्जन्स एंड मास कन्वर्जन्स इन केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, मेंटली चैलेंज्ड पर्संस, वुमेन एंड दोज बिलोंगिंग टू द एससी एसटी कम्युनिटी। 2021 का जो एक्ट था, उस एक्ट के अंदर मास कन्वर्जन को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उनको कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट प्रोविजन नहीं थे, स्पेशली माइनर्स, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, मेंटली चैलेंज पर्सन्स, वुमेन और एससी एसटी कम्युनिटी के अंदर बिलोंग करने वाले पीपल के मास कन्वर्जन से रिलेटेड उस बिल के अंदर कोई प्रोविजन नहीं था। 2021 लेजिस्लेशन नीडेड टू बी मेड अ स्ट्रिंजेंट एज पॉसिबल ड्यू टू ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल प्लान्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन एंड एंटी नेशनल एलिमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन डेमोग्राफिक चेंज ड्यू टू अनलॉफुल कन्वर्जन्स। क्योंकि मास लेवल पर कन्वर्जन देखा जा रहा है इंडिया के अंदर, और ये जो कन्वर्जन कराए जा रहे हैं इसमें फॉरेन एंड एंटी नेशनल एलिमेंट का रोल है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल प्लानिंग के साथ लोगों का रिलीजन यहाँ पर कन्वर्ट करा रहे हैं। इस वजह से कुछ 2021 एक्ट के अंदर जो प्रोविजन थे उनको स्टेट करने के लिए यहाँ पर ये अमेंडमेंट किए गए हैं। बिटवीन January 1, 2021 एंड April 30, 2023 427 केसेस वर रजिस्टर्ड इन यूपी अंडर द एक्ट, रिजल्टिंग इन 833 अरेस्ट। January 2021 से लेकर April 30, 2023, इट मीन्स लास्ट ईयर तक अबाउट 427 केसेस यूपी में इस इशू से रिलेटेड रजिस्टर किए गए हैं, केसेस कन्वर्जन से रिलेटेड, और जिसमें 833 पीपल को अरेस्ट किया गया है। डज इट एनहांस पेनल्टीज? क्या ये जो अमेंडमेंट किया गया है इसमें पेनल्टी भी एनहांस की गई है?
द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द जेल टर्म एंड फाइंस फॉर ऑल ऑफेंसेस अंडर द लॉ। 2021 का जो लॉ था उसके अंदर जो जेल टर्म या फिर फाइंस थे उन्हें अब अमेंडमेंट के थ्रू इंक्रीज कर दिया गया है। अर्लियर अ पर्सन कॉन्विक्टेड ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन फेस अ मिनिमम प्रिजन टर्म ऑफ 1 ईयर एंड मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर अलोंग विद अ फाइन ऑफ ₹15,000। कोई भी पर्सन अनलॉफुल कन्वर्जन अगर कराता है तो ओल्ड लॉ के अंदर मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर का प्रिजन टर्म प्रोविजन किया गया था और फाइन की अगर बात की जाए तो 15,000 फाइन यहाँ पर फिक्स किया गया था। इट मीन्स 1 ईयर से 5 ईयर का प्रिजन टर्म था और 15,000 फाइन यहाँ पर प्रोविजन किया गया था ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग। अंडर द अमेंडेड बिल द मिनिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर सच ऑफेंसेज हैज बीन रेज टू 5 ईयर्स। अब यहाँ पर मिनिमम 5 ईयर कर दिया गया है एंड द मैक्सिमम टू 10 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर कर दिया गया है। एडिशनली द फाइन हैज बीन इंक्रीज टू ₹50,000। फाइन यहाँ पर 15,000 की जगह 50,000 यहाँ पर कर दिया गया है। जहाँ पहले प्रिजन टर्म था मिनिमम टर्म 1 ईयर, वो यहाँ पर अब मिनिमम 5 ईयर कर दिया। 2021 एक्ट में मैक्सिमम प्रिजन टर्म 5 ईयर था जो कि अमेंडमेंट बिल के अंदर 10 ईयर का प्रोविजन कर दिया गया है। फॉर अनलॉफुल कन्वेंशंस इन्वॉल्विंग अ माइनर, अ वुमेन और अ पर्सन बिलोंगिंग टू SC/ST कम्युनिटी, द पेनल्टी हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम अ प्रिजन टर्म ऑफ 2 to 10 ईयर्स टू 5 to 14 ईयर्स। अगर किसी माइनर का कन्वर्जन कराया जाता है या वुमेन का कन्वर्जन कराया जाता है या फिर SC/ST कम्युनिटी के पीपल का अगर कन्वर्जन कराया जाता है, पहले जहाँ पर 2 से लेकर 10 ईयर तक प्रिजन टर्म था वो अब 5 ईयर से 14 ईयर का कर दिया गया है इस न्यू बिल के अकॉर्डिंग। इट मीन्स SC/ST वुमेन या माइनर कम्युनिटी के अंदर अगर कोई भी पर्सन कन्वर्जन कराता है तो उसको 5 to 14 ईयर का जेल हो सकता है। इससे पहले ये 2 से 10 ईयर का प्रोविजन किया गया था। द मिनिमम फाइन हैज ऑल्सो बीन रेज फ्रॉम ₹25,000 to 1 लाख। मिनिमम फाइन की अगर बात की जाए जहाँ पहले 25,000 हुआ करता था अब इसको 1 लाख कर दिया गया है। ऑन मास कन्वर्जन्स, अगर मास कन्वर्जन कराया जाता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन इस बिल के अंदर किए गए हैं। द बिल हैज ऑल्सो स्ट्रेंथन द पेनल्टीज फॉर मास कन्वर्जन। मास कन्वर्जन के लिए पेनल्टी को स्ट्रॉन्ग किया गया है। प्रीवियसली दोज कॉन्विक्टेड फेस अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स इन प्रिजन। नाउ द मिनिमम सेंटेंस हैज बीन रेज टू 7 ईयर्स एंड द मैक्सिमम टू 14 ईयर्स विद अ फाइन ऑल्सो डबल टू ₹1 लाख। मास कन्वर्जन के केस में जहाँ पहले मिनिमम और मैक्सिमम प्रिजन टर्म 3 ईयर to 10 ईयर था, वहीं अब ये 7 ईयर से 14 ईयर कर दिया गया है। फाइन की अगर बात की जाए तो ये जहाँ पहले 50,000 था अब इस फाइन को यहाँ पर 1 लाख कर दिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि SC/ST कम्युनिटी के अंदर अगर कन्वर्जन कराया जाता है तो उसमें 25,000 से लेकर 1 लाख तक का प्रोविजन किया गया है। द टू न्यू कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस, अभी जो बिल पास किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, इस बिल के अंदर ऑफेंस के 2 न्यू कैटेगरीज को ऐड किया गया है। फर्स्ट, द न्यूली एडेड सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 5 मैंडेट अ मिनिमम प्रिजन टर्म ऑफ 7 ईयर्स एक्सटेंडेबल टू 14 ईयर्स फॉर एनी वन हु सिक्योर फॉरेन फंड और फंड फ्रॉम इलीगल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन। अनलॉफुल कन्वर्जन के पर्पज से अगर कोई भी पर्सन फॉरेन फंड्स और फंड फ्रॉम इलीगल इंस्टीट्यूशन के केस में अगर उसको पकड़ा जाता है और प्रूफ हो जाता है कि इस पर्सन ने इलीगल कन्वर्जन के पर्पज से फॉरेन फंड या फिर इलीगल इंस्टीट्यूशन से के लिए फंड इसने सेव करके रखा हुआ है, उसको 7 ईयर से 14 ईयर का प्रिजन टर्म हो सकता है। ये एक न्यू प्रोविजन इसके अंदर किया गया है। सेकंड, इफ द एक्यूज्ड कॉज एनी पर्सन टू फियर फॉर हिज लाइफ और प्रॉपर्टी, असोल्ट और यूज फोर्स, प्रोमिसेस और इंस्टिगेट्स मैरिजेस, कंस्पायर्स ऑफ इंड्यूसेस एनी माइनर वुमेन और पर्सन टू ट्रैफिक और अदरवाइज सेल्स देम, दे शैल बी पनिश्ड विद अ मिनिमम 20 ईयर इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी एक्सटेंडेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सेकेंड प्रोविजन जो किया गया है इसमें 20 ईयर से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का यहाँ पर पनिशमेंट प्रोविजन किया गया है। कोई भी एक्यूज पर्सन अगर उसने किसी पर्सन की लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए एक फियर क्रिएट किया है या किसी टाइप का एसोल्ट किया है
या किसी टाइप का प्रॉमिस किया है और उससे मैरिज की है, माइनर के साथ अगर कोई कंस्पायर या इंड्यूस किया है, वुमेन या किसी अन्य पर्सन को ट्रैफिक किया जाता है या उसे सेल किया जाता है, इस केस में एक्यूज्ड पर्सन को 20 ईयर का इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। कोर्ट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड अवार्ड अप्रोप्रिएट कंपेंसेशन टू विक्टिम टू बी पेड बाय द एक्यूज्ड। इस बिल के अंदर यह भी प्रोविजन किया गया है कि कोर्ट चाहे तो एक्यूज्ड से पेमेंट करा के विक्टिम को अप्रोप्रिएट कंपेंसेशन अवार्ड करा सकती है। दिस कंपेंसेशन कैन बी अप टू 5 लाख, और इस टाइप का जो कंपेंसेशन होगा वो 5 लाख तक हो सकता है। हु कैन रजिस्टर अ क्रिमिनल कंप्लेंट? क्रिमिनल कंप्लेंट कौन रजिस्टर करा सकता है? अगर किसी पर्सन का डिसिडफुल्ली कन्वर्जन करा गया है तो उसके लिए कंप्लेन रजिस्टर कराने का प्रोसेस में भी कुछ यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं न्यू बिल के अंदर। अंडर ओरिजिनल एक्ट ओनली एनी एग्रेड पर्सन और हिज हर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर और एनी अदर पर्सन हु इज रिलेटेड टू हिम हर बाय ब्लड, मैरिज और एडोप्शन वॉज ऑथोराइज टू फाइल ए क्रिमिनल कंप्लेंट फॉर अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग एग्रेव्ड पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेन कराने का जो राइट मिला हुआ था वो एग्रेव्ड पर्सन के पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर या फिर कोई ब्लड रिलेटिव या मैरिज रिलेटिव कोई पर्सन, वही पर्सन यहाँ पर अनलॉफुल कन्वर्जन की कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकता था। हाउएवर द अमेंडेड लॉ नाउ ग्रांट लेजिटिमेट टू सच थर्ड पार्टी कंप्लेंट्स। अब यहाँ पर कंप्लेंट कराने का जो लेजिटिमेसी है वो थर्ड पार्टी कंप्लेंट्स को पावर दिया गया है इस अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग। द रिवाइज प्रोविजन स्टिपुलेट्स दैट एनी पर्सन कैन फाइल एन FIR रिलेटेड टू एनी वायलेशन ऑफ एक्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द लॉ गवर्निंग क्रिमिनल प्रोसीजर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। न्यू रिवाइज प्रोविजन जो किए गए हैं, कोई भी पर्सन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अकॉर्डिंग जो क्रिमिनल प्रोसीजर इसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन FIR रजिस्टर्ड करा सकता है, पर्टिकुलर उस पर्सन की FIR जो जिसका कन्वर्जन किया गया है। व्हाट अबाउट प्रोविजंस फॉर बेल? बेल के रिगार्डिंग इस बिल में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं? द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस स्ट्रिंजेंट ट्विन कंडीशंस ऑफ बेल सिमिलर टू एज द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। न्यू अमेंडमेंट के अंदर बेल के रिगार्डिंग टू कंडीशंस जो कि बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं वो यहाँ पर प्रोविजन की गई हैं। बेल के रिगार्डिंग ट्विन कंडीशंस कुछ इसी टाइप के हैं जिस तरह से नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 में है, 2002 में है, UAPA 1967 के अंदर जो बेल प्रोविजन है कुछ इसी टाइप के बेल प्रोविजन इस न्यू अमेंडेड लॉ के अंदर किए गए हैं। और ऑफेंसेज रिलेटेड टू अनलॉफुल कन्वर्जन आर नाउ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड कैन ओनली बी एडजुकेटेड अपॉन आ सेशन कोर्ट और हायर जुडिशल फॉर्म्स। अनलॉफुल कन्वर्जन के रिगार्डिंग जितने भी ऑफेंस हैं वो कॉग्निजेबल काउंट किए जाएंगे और नॉन बेलेबल काउंट किए जाएंगे। बात अगर एडजुकेशन की जाए तो सेशन कोर्ट या हायर कोर्ट फोरम में ही इसका एडजुडिकेशन किया जा सकता है। हाउ डज इज कंपेयर टू अदर एंटी कन्वर्जन लॉ? वेरियस स्टेट के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ है बट यूपी का जो लॉ बनाया गया है ये अदर स्टेट से किस तरह डिफरेंट है? इन एडिशन टू उत्तर प्रदेश स्टेट सच एज उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हैव हैड एंटी कन्वर्जन लॉ फॉर डिकेट्स, वाइल छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एंड उत्तराखंड हैव इम्प्लीमेंटेड सच लॉज मोर रिसेंटली। यूपी की तरह कुछ अदर स्टेट में भी पहले से ही एंटी कन्वर्जन लॉ इम्प्लीमेंट किए गए हैं जिसमें ओडिशा, MP, अरुणाचल प्रदेश है, और रिसेंटली कुछ अदर स्टेट में भी एंटी कन्वर्जन लॉ इम्प्लीमेंट किए गए हैं जैसे छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एंड उत्तराखंड। मोस्ट ऑफ दीज लॉ रिक्वायर इंडिविजुअल्स को कन्वर्ट और फैसिलिटेटिंग कन्वर्जन्स टू नोटिफाई द गवर्नमेंट। ज़्यादातर स्टेट के जो लॉ हैं वो
उसके अंदर एक प्रोविजन किया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल जो कन्वर्जन करा रहा है उसको गवर्नमेंट को पहले नोटिफाई करना होगा। अब ये कितना देर पहले नोटिफाई करना होगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजन है। इन एमपी द लॉ मैंडेट अ 60 डे प्रायर डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन टू कन्वर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर द कन्वर्जन टू बी वैलिड। मध्य प्रदेश के अंदर 60 डे प्रायर डिक्लेरेशन का प्रोविजन है। इट मीन्स अगर कन्वर्जन कराना है तो 60 डे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उस कन्वर्जन की वैलिडिटी वहां पर शो करनी होगी। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड रिक्वायर अ 30 डे प्रायर नोटिस। इन कॉन्ट्रास्ट उत्तर प्रदेश नॉट ओनली मैंडेट अ 60 डे नोटिस बट ऑल्सो रिक्वायर द मजिस्ट्रेट टू कंडक्ट अ पुलिस इंक्वायरी टू एसर्टेन द ट्रू इंटेंट बिहाइंड द कन्वर्जन। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर 30 डेज पहले नोटिस देना होगा कन्वर्जन से पहले, बट यूपी के अंदर 60 डेज प्रायर नोटिस यहाँ पर मैंडेट किया गया है। इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट कन्वर्जन के बिहाइंड जो भी इंटेंट है उसका इंक्वायरी पुलिस इंक्वायरी कंडक्ट कराएगा। ये यूपी में एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है। इट मीन्स सभी स्टेट के अंदर कन्वर्जन से पहले 30 डेज पहले 60 डेज पहले नोटिस का प्रोविजन है, बट यूपी के अंदर स्पेशल प्रोविजन ये है कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट स्पेशल पुलिस इंक्वायरी कराएगा कि जो कन्वर्जन कराया जा रहा है उसका ट्रू इंटेंट है या नहीं। विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट नोन ऑफ द आदर स्टेट लॉ प्रेस्क्राइब लाइफ इंप्रिजनमेंट इंस्टेड प्रिजन सेंटेंसेस वारी बिटवीन 2 to 10 ईयर्स। अदर स्टेट की बात की जाए यूपी को छोड़कर तो अदर स्टेट में 2 to 10 ईयर्स का प्रिजन सेंटेंस है और किसी भी स्टेट के अंदर लाइफ इंप्रिजनमेंट का पनिशमेंट प्रोविजन नहीं है, बट यूपी के अंदर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द अमेंडमेंट्स इज लाइकली टू बी चैलेंज बिफोर द टॉप कोर्ट। अ बैच ऑफ पिटीशंस चैलेंजिंग द पेरेंट लेजिस्लेशन एंड अदर सिमिलर एंटी कन्वर्जन लॉ इनेक्टेड बाय द बीजेपी रूल स्टेट आर ऑलरेडी पेंडिंग एडजुकेशन बिफोर अ 3 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। हावर दीज पिटीशंस हैव नॉट बीन लिस्टेड फॉर हियरिंग सिंस अप्रैल 2023 इफेक्टिवली लिविंग दैम इन लिम्बो। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी क्या है क्या नहीं है, इससे रिलेटेड बिल पहले से भी पेंडिंग है कोर्ट के अंदर और उन पर भी हियरिंग की जा चुकी है या चल रही है, और इससे रिलेटेड इशू पर कुछ जजेस ने भी अपना जो स्टैंड है वो यहाँ पर शो किया है। बड़ा बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस जी बी पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा वाइल हियरिंग अ सेपरेट केस सीकिंग द क्वेश्चनिंग ऑफ एन अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन चार्ज हैड रिमार्क दैट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द 2021 एक्ट अपीयर टू कॉन्ट्रावीन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जस्टिस जे बी पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा जो कि एक सेपरेट केस को हियरिंग कर रहे थे और ये जो केस था वो अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन चार्जेस को क्वेश्चन करने से रिलेटेड था। इस बेंच ने 2021 एक्ट के प्रोविजन पर रिमार्क किया था। उन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी दी गई है उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रावीन करता है। इट मीन्स इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अभी इसकी क्लियरली नहीं कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है। काउंटिंग द पुअर हैविंग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस रिसेंटली रिलीज अ डिटेल रिपोर्ट बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2020 to 2023। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने रिसेंटली हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2020 to 2023 का जो डाटा था उसको रिलीज किया है। HCES हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे कलेक्ट डाटा ऑन द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस फूड आइटम्स कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड एंड द टोटल वैल्यू ऑफ कंजप्शन ऑफ डिफरेंट फूड एंड नॉन फूड आइटम्स। HCES किसी हाउस होल्ड में कंज्यूम किए जाने वाले वेरियस फूड आइटम्स की क्वांटिटी और साथ में उसका जो वैल्यू है इट मीन्स फूड और नॉन फूड आइटम्स जितने भी एक हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं उसकी वैल्यू को कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो HCES करता है।
व्हाट इज पॉवर्टी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट? द वेरियस कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अर्ली बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द लडकवाला द तेंदुलकर एंड रंगराजन कमेटी हैव डिफाइंड द पुअर एज द पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने पहले वेरियस कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की थी पॉवर्टी से रिलेटेड, जिसमें लगड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, जिन्होंने पॉवर्टी को डिफाइन किया है। और पॉवर्टी को इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है? बिलो पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड पॉवर्टी। द पॉवर्टी लाइन इज अ मॉनिटरी इक्विवेलेंट बेस्ड ऑन हाउस होल्ड मॉनिटरी पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर दैट शुड बी सफिशियंट फॉर द हाउस होल्ड टू परचेज द फूड एंड नॉन फूड आइटम्स। यहाँ पर पॉवर्टी लाइन को भी डिफाइन किया गया है। ये एक मॉनिटरी इक्विवेलेंस है जो कि मंथली हाउस होल्ड पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के बेस पर फिक्स किया जाता है। इट मीन्स पॉवर्टी लाइन जो होती है वो हाउस होल्ड की जो परचेजिंग पावर है फूड और नॉन फूड आइटम्स की, वहाँ तक एक लिमिट होता है इसका। इट मीन्स अगर वो अपने हाउस होल्ड के लिए फूड और नॉन फूड आइटम्स को परचेज नहीं कर पा रहा है तो ये कहीं ना कहीं बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाता है। वेरियस अप्रोचेज टू डिफाइनिंग पॉवर्टी। द लगड़वाला कमेटी एंकर्ड द पीएल एंड द पीएलबी विच इंक्लूडेड फूड एंड नॉन फूड आइटम्स टू कैलोरी नॉर्म्स ऑफ 2400 केसीएल पर कैपिटा पर डे फॉर रूरल एरियाज एंड 2100 केसीएल पर कैपिटा पर डे फॉर अर्बन एरियाज। लगड़वाला कमेटी ने पॉवर्टी लाइन के लिए जो एस्टिमेट फॉलो किया है, अप्रोच इन्होंने जो फॉलो किया है वो फूड एंड नॉन फूड आइटम्स या फिर कह सकते हैं कंजप्शन बेस पर इसने पॉवर्टी को डिफाइन किया है। रूरल एरियाज के अंदर पर पर्सन को अगर 24 कैलोरी या इससे ज़्यादा मिल रहा है तो उसको पुअर नहीं माना जाएगा, और इससे अगर कम मिल रहा है तो उसको पुअर माना जाएगा। वहीं अर्बन एरिया में अगर किसी पर्सन को 2100 कैलोरी से कम मिल रहा है तो उसको पुअर माना जाएगा। इन कॉन्टेस्ट द तेंदुलकर कमेटी डिड नॉट एंकर द पीएल टू अ कैलोरी नॉर्म। द पीएल अकॉर्डिंग टू रंगराजन कमेटी इज बेस्ड ऑन सर्टेन नॉर्मेटिव लेवल्स ऑफ एडुकेट नरिशमेंट क्लोथिंग हाउस रेंट कन्वीनियंस एंड एजुकेशन एंड बिहेवियरली डिटरमाइंड लेवल ऑफ अदर नॉन फूड एक्सपेंडिचर। रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है इसमें नरिशमेंट, क्लोथिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन ये सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अगर इनके लिए किसी पर्सन के पास फैसिलिटी है, ये सारी फैसिलिटी है, तो उसको पॉवर नहीं माना जाएगा। अदरवाइज इससे कम फैसिलिटी अगर मिल रही है तो उसको पॉवर्टी लाइन में माना जाएगा। एट 22-23 प्राइसेस द ऑल इंडिया थ्रेश होल्ड टोटल एमपीसीई मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज ₹2121 फॉर रूरल इंडिया एंड 3077 फॉर अर्बन इंडिया। इंडिया के अंदर ये 2022-23 का डाटा है। एवरेज एवरी पर्सन मंथली जो एक्सपेंड करता है फूड एंड नॉन फूड आइटम्स पर मंथली रूरल एरिया के अंदर 2197 रुपीज़ एक्सपेंड करता है, जबकि अर्बन एरिया में एवरेज एवरी पर्सन फूड एंड नॉन फूड आइटम्स पर 3077 रुपीज़ एक्सपेंड करता है। द करिस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन ऑफ पुअर दैट इज डिप्राइव्ड इज एस्टिमेटेड एट 17.1% फॉर रूरल एरियाज एंड 14% फॉर अर्बन एरियाज। पुअर का अगर प्रोपोर्शन देखा जाए तो अर्बन के अंदर 14% लोग अभी भी पुअर कैटेगरी में हैं, जबकि रूरल एरियाज के अंदर 17.1% लोग अभी भी बिलो द पॉवर्टी लाइन बिलोंग करते हैं। दिस इशू इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक। इस आर्टिकल के अंदर गंगा रिवर को किस तरह से यानी गंगा रिवर का जो कोर्स है 2500 ईयर्स है वो अर्थक्वेक की वजह से किस तरह चेंज हुआ इसका रूट उससे रिलेटेड है। बट इस आर्टिकल के अंदर हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो अर्थक्वेक से रिलेटेड करेंगे। व्हाट इज अर्थक्वेक? एन अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ। इट इज अ नेचुरल इवेंट इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी व्हिच जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस। अर्थक्वेक अर्थ का एक सडन शेकिंग है, ये एक नेचुरल इवेंट है जिसकी वजह से अर्थ के अंदर से कुछ वेव जनरेट होती हैं जो कि ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। अर्थक्वेक वाइब्रेशंस आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स विच ट्रेवल थ्रू द अर्थ एंड आर रिकॉर्डेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक वाइब्रेशन की वजह से बहुत सारी सेस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं जिनको सिस्मोग्राफ जो कि एक रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू इसको मेजर किया जाता है।
लोकेशन बिलो द अर्थ सर्फेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड हाइपो सेंटर एंड द लोकेशन डायरेक्टली अबव इट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपी सेंटर। अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होता है उस अर्थ सरफेस के अंदर जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको हाइपो सेंटर बोलते हैं, एंड लोकेशन डायरेक्टली अबव द सर्फेस, हाइपो सेंटर के जस्ट ऊपर यानी सरफेस पर जो लोकेशन होता है उसको एपिसेंटर बोला जाता है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स कॉजेज, अर्थक्वेक्स के कितने टाइप होते हैं और उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। नंबर वन टेक्टोनिक अर्थक्वेक, नंबर टू वॉल्केनिक अर्थक्वेक, नंबर थ्री ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। नंबर वन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव इट कॉजेज मूवमेंट्स एट द फॉल्ट्स, दस द स्लिपिंग ऑफ लैंड अलोंग द फुल फॉल्ट लाइन अलोंग कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कॉज अर्थक्वेक। टेक्टोनिक प्लेट्स कंटिन्यू मूव कर रही हैं अर्थ के अंदर जिसकी वजह से फॉल्ट जनरेट होता है, फॉल्ट के अंदर भी मूवमेंट होता है और उस फॉल्ट की वजह से लैंड के अंदर स्लिपिंग होता है। स्लिपिंग जो होता है वो डाइवर्जेंट टाइप का हो सकता है, कन्वर्जेंट टाइप का हो सकता है, जिसकी वजह से अर्थ के अपर सरफेस में सडन सेकिंग होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग एज दे ड्रिफ्ट अराउंड ऑन विस्कस और स्लोली फ्लोइंग मेंटल लेयर बिलो, क्योंकि मेंटल लेयर है बीच में, सबसे ऊपर क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है, और अर्थ के अंदर कंटिन्यू लावा फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर कुछ सडन सेकिंग कंटिन्यू प्रोसेस देखने को मिल सकता है जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है। दिस नॉन स्टॉप मूवमेंट कॉज स्ट्रेस ऑन अर्थ क्रस्ट, व्हेन द स्ट्रेस गेट टू लार्ज इट लीड्स टू क्रैक्स कॉल्ड फॉल्ट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जो नॉन स्टॉप मूवमेंट होता रहता है इसकी वजह से अर्थ क्रस्ट पर स्ट्रेस पड़ता है, और ये स्ट्रेस अगर टू लार्ज हो जाता है इसकी वजह से फॉल्ट्स यहाँ पर जनरेट होते हैं। नंबर टू वॉल्केनिक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक अर्थक्वेक आर कॉन्फाइंड टू एरियाज ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। अर्थक्वेक प्रोड्यूस बाय स्ट्रेस ड्यू टू द इंजेक्शन और विड्रॉवल ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड वॉल्केनिक अर्थक्वेक। दीज अर्थक्वेक कैन कॉज द लैंड टू सबसाइड एंड कैन प्रोड्यूस लार्ज ग्राउंड क्रैक्स। दीज अर्थक्वेक्स कैन अकर एज रॉक इज मूविंग टू फिल इन स्पेस वेयर मैग्मा इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। वॉल्केनिक अर्थक्वेक ज़्यादातर उस एरिया में आते हैं जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो है, और इस टाइप के जो अर्थक्वेक होते हैं ये वॉल्केनिक इस टाइप के जो अर्थक्वेक होते हैं वो मैग्मा के विड्रोवल की वजह से या इंजेक्शन की वजह से जो अपर लेयर पर जो स्ट्रेस पड़ता है, अर्थ का जो अपर लेयर है उसकी वजह से वॉल्केनिक अर्थक्वेक यहाँ पर जनरेट होते हैं। ये जो अर्थक्वेक होते हैं इसकी वजह से लार्ज ग्राउंड के अंदर क्रैक आ जाते हैं। नंबर थ्री ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी समटाइम्स द रूफ ऑफ द अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स कॉजिंग माइनर ट्रिमोर्स, दीज आर कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक। इट मीन्स कोलैप्स अर्थक्वेक जो होते हैं ये माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से हो सकते हैं। अर्थ शेकिंग में ऑल्सो अगर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेज, सच ट्रिमोर्स आर कॉल्ड एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ह्यूमन एक्टिविटी के तौर पर अगर कोई केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइस के थ्रू एक्सप्लोजन कराया जा रहा है अर्थ के ऊपर इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है, और इस तरह के ट्रिमर की वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसको एक्सप्लोजन अर्थक्वेक बोलते हैं। सम अर्थक्वेक दैट अकर्स इन द एरिया ऑफ लार्ज रिजर्वर्स आर रेफर टू एज रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। कभी कभी अर्थक्वेक जो आता है वो लार्ज रिजर्वर्स की वजह से भी आ सकता है, इट मीन्स जहाँ पर डैम वगैरह बने हुए हैं एक लार्ज रिजर्वर है, या किसी अदर चीज़ को अगर अर्थ पर रिजर्व करके रखा जाता है तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है जिसको रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द डेप्थ, डेप्थ के बेस पर अर्थक्वेक को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। अर्थक्वेक्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री जोन, सैलो जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड डीप जोन, बेस्ड ऑन दियर डेप्थ विच रेंज बिटवीन 0 टू 700 किलोमीटर। अर्थक्वेक का जो डेप्थ माना जाता है वो 0 से 700 किलोमीटर तक माना जाता है, और डेप्थ के बेस पर अर्थक्वेक को थ्री जोन में डिवाइड किया जाता है, सैलो जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड डीप जोन। सैलो जोन अर्थक्वेक हैव अ फोकस 0 टू 70 किलोमीटर डीप, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक हैव अ फोकस 70 टू 300 किलोमीटर डीप, डीप अर्थक्वेक हैव अ फोकस 300 टू 700 किलोमीटर डीप।
सैलो जोन अर्थक्वेक जो होते हैं 0 से 70 किलोमीटर डीप होते हैं। इंटरमीडिएट जोन वाले अर्थक्वेक 70 से 300 किलोमीटर डीप होते हैं, जबकि डीप अर्थक्वेक जो होते हैं वो 300 से 700 किलोमीटर डीप होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 कैटेगरी में कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ पर जो अर्थक्वेक आते हैं वो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं पूरे अर्थ पर, जिसमें पहला है सिरकम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट, एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट, एंड थर्ड सबमर्ज मिड एटलांटिक रिज बेल्ट। अर्थक्वेक कैन स्ट्राइक एनी लोकेशन एट एनी टाइम, बट हिस्ट्री सो दैट दे अकर इन सेम जनरल पैटर्न ईयर बाई ईयर, प्रिंसिपली इन 3 लार्ज जोन ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक एनी लोकेशन पर एनी टाइम पर आ सकता है, बट ईयर ईयर आफ्टर ईयर अगर पैटर्न देखा जाए तो सेम जनरल पैटर्न के बेस पर बार बार आते हैं। और अर्थक्वेक के लार्ज 3 जोन अर्थ पर हैं, जिनमें से नंबर 1 सिरकम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट, ये पैसिफिक जोन है। दिस इज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट विच इज फाउंड अलोंग द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन, वेयर अबाउट 81% ऑफ अवर प्लैनेट्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक अगर। पूरे अर्थ पर जो लार्जेस्ट अर्थक्वेक आते हैं उसका 81% अर्थक्वेक सिरकम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट के अंदर आते हैं, और ये वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट है। दिस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। अब हम इसको मैप में देखते हैं थोड़ा, कि रिंग ऑफ फायर जो जोन है, ये जो जोन है ये हम देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न अमेरिका, वेस्टर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है ये रिंग ऑफ फायर है, और ये पूरा जोन जो है इसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। द बेल्ट एग्जिस्ट अलोंग बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, वेयर प्लेट्स ऑफ मोस्टली ओशनिक क्रस्ट आर सिंकिंग बेनिथ अनदर प्लेट। अर्थक्वेक इन दीज सबडक्शन जोन्स आर कॉज्ड बाय द बिटवीन प्लेट्स एंड रैप्चर विद इन प्लेट्स, क्योंकि इस जोन के अंदर प्लेट्स में सबडक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज पर ये अर्थक्वेक आते हैं। नंबर 2 एल्पाइन अर्थक्वेक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। दिस बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम जावा टू सुमात्रा थ्रू द हिमालयाज द मेडिटेरेनियन एंड आउट इन टू द एटलांटिक। दिस बेल्ट अकाउंट फॉर अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक, इंक्लूडिंग सम ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। एल्पाइन अर्थक्वेक बेल्ट, जिसको हम मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के तौर पर भी जानते हैं, जावा सुमात्रा हिमालयन रीजन और मेडिटेरियन रीजन या फिर एटलांटिक रीजन के अंदर ये अर्थक्वेक आते हैं, और वर्ल्ड के अबाउट 17% अर्थक्वेक इसी एरिया में आते हैं। सबमर्ज मिड एटलांटिक रिज बेल्ट, द रिज मर्ड वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स आर स्प्रेडिंग अपार्ट अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, मोस्ट ऑफ द मिड एटलांटिक रिज इज डीप अंडर वाटर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट। सबमर्ज मिड एटलांटिक रिज बेल्ट के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स कि स्प्रेडिंग की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर स्प्रेड हो रही हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में एटलांटिक जोन है मेनली, यहाँ पर इस तरह के अर्थक्वेक देखे जा सकते हैं। इन दिस मैप वी कैन सी रिंग ऑफ फायर, एंड इन दिस मैप वी कैन सी यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया, रिंग ऑफ फायर। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है। द अर्थक्वेक इवेंट आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट है, 2 टाइप का मेजरमेंट होता है, मैग्नीट्यूड मेजरमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ शॉक। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज द रिएक्टर स्केल। द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर 0 to 10। मैग्नीट्यूड मेजरमेंट की अगर बात की जाए तो इसको रिएक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है, और ये मेनली क्विक के टाइम पर जितना एनर्जी रिलीज हुआ है उसको मैग्नीट्यूड करता है, और इसका जो एब्सोल्यूट नंबर होते हैं इसके अंदर वो 0 से 10 होते हैं, इसको मैग्नीट्यूड स्केलिंग बोला जाता है। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मेरकारी एंड इटेलियन सेस्मोलॉजिस्ट। द इंटेंसिटी स्केल टेक इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट। दिस रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज फ्रॉम 1 to 12। इंटेंसिटी स्केल इवेंट के टाइम पर विजिबल डैमेज कितना हुआ है इसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है, और साथ में इसमें जो
इंटेंसिटी स्केल पर जो नंबर रेंज होता है वो 1 to 12 होता है। साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द टाइम लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू साइंटिस्ट अर्थक्वेक का टाइम लोकेशन इंटेंसिटी इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस रिकॉर्ड ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द रॉक द सेस्मिक वेव ट्रेवल्ड थ्रू। किस टाइप की सेस्मिक वेव ट्रेवल कर रही थी या किस टाइप का रॉक के थ्रू ये वेव्स पास हुई है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी सेस्मोमीटर जनरेट कर सकता है। सेस्मिक वेव्स अर्थक्वेक वेव भी इन्हें हम बोलते हैं। तो अर्थक्वेक के अंदर वेरियस टाइप की वेव्स होती हैं उसके उससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेव्स ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन आर कॉल्ड सेस्मिक वेव। दे आर रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक की वजह से कुछ वेव्स ऑफ एनर्जी जनरेट होती हैं जिन्हें हम सेस्मिक वेव बोलते हैं। इन्हें हम सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली टू टाइप्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स बेसिकली टू टाइप की होती हैं जिसमें नंबर वन बॉडी वेव्स हैं और नंबर टू सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स, बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, हेंस द नेम बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स जो होती हैं वो फोकस पर यानी अर्थक्वेक का जो फोकस है फोकस पर एनर्जी रिलीज होने की वजह से जनरेट होती है और ये अर्थ की बॉडी के थ्रू ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है इसलिए इसको हम बॉडी वेव्स बोलते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, दे आर कॉल्ड पी एंड एस वेव। बॉडी वेव्स टू टाइप का होता है, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव्स मूव फास्टर आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पी वेव्स फास्टर होती हैं और अर्थ सरफेस पर सबसे पहले अराइव करती हैं। पी वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। द पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स, दे ट्रेवल थ्रू गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। पी वेव्स को प्राइमरी वेव्स भी बोला जाता है। पी वेव्स साउंड वेव्स की तरह होती हैं जो कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस मटेरियल से ट्रेवल कर सकते हैं। एस वेव अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। एस वेव जो होती हैं वो कुछ टाइम लैग पर या कुछ टाइम के बाद सरफेस पर रीच करती हैं जिनको हम सेकेंडरी वेव्स के तौर पर भी जानते हैं। एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। एस वेव ओनली सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही ट्रेवल कर सकती हैं। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट अ न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव। दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस विच आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड करने वाली जो वेव्स होती हैं वो सरफेस वेव होती हैं क्योंकि बॉडी वेव जिस टाइम पर रिलीज होती हैं उस टाइम पर वो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो रॉक हैं वहाँ से एक न्यू टाइप की वेव्स का एक सेट बनाती हैं और यही वेव्स हैं जो कि सिस्मोग्राफ तक पहुँचती हैं। अर्थक्वेक इन इंडिया। अवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्रीज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेक्निकली एक्टिव यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय। क्योंकि इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय से कनेक्टेड है और इस वजह से इंडिया हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्री है। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेस्मिक जोन्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक इनपुट्स रिलेटिंग टू सिस्मिसिटी, अर्थक्वेक अकर्ड इन द पास्ट एंड टेक्टोनिक सेटअप ऑफ द रीजन। इंडिया के टेक्टोनिक सेटअप की वजह से या फिर पास्ट में जो भी अर्थक्वेक अकर्ड हुए हैं या फिर कुछ साइंटिफिक इनपुट्स की वजह से या उनके डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया को 4 सेस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ एंड जोन फिफ्थ। दिस इज मैप ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया, सेस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया 2002। जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फिफ्थ, जोन फोर्थ, जोन फिफ्थ। जोन फिफ्थ जो होता है वो वेरी हाई रिस्क के अर्थक्वेक होते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंटेंसिटी जो होता है 9 या अबव होता है। जोन फोर्थ, जोन थर्ड या जोन सेकंड इसी तरह से इसका यहाँ पर इंटेंसिटी दिया हुआ है। हम देख सकते हैं जोन फिफ्थ जहाँ पर वेरी हाई रिस्क है अर्थक्वेक की वजह से पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है और गुजरात का कुछ पार्ट है, इधर उत्तराखंड है, ये जोन फिफ्थ में आते हैं। जोन फोर्थ की अगर बात की जाए जहाँ पर हाई रिस्क जोन है वेरी हाई फिफ्थ में आता है, हाई फोर्थ में आता है। हाई जोन की अगर बात की जाए तो ये हिमालय से कनेक्टेड जितना भी एरिया है वो हाई रिस्क जोन में आ जाता है।
जोन थर्ड की अगर बात की जाए तो मॉडरेट रिस्क जोन है। जोन थर्ड इंडिया के वेरियस पार्ट में हम देख सकते हैं, मैप में कलर से मैचिंग हम कर सकते हैं। जोन सेकंड इंडिया का जितना भी ब्लू कलर दिखाया गया है जोन सेकंड में आता है, जहाँ पर लो रिस्क जोन है। जुडिशियस यूज ऑफ सुक्रोलोज एज शुगर सब्स्टिट्यूट हेल्प डायबिटिक स्टडी। इस आर्टिकल में हम ओनली डायबिटी से रिलेटेड इशू डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर कुछ रिलेवेंट चीज़ें इंक्लूडेड हैं, वो डिस्कस नहीं करेंगे। वाई न्यूज, अ रिसेंट स्टडी फ्रॉम इंडिया एग्जामिनिंग द इफेक्ट्स ऑफ रिप्लेसिंग सुक्रोज टू टेबल शुगर विद एन आर्टिफिशियल स्वीटनर सुक्रोलोज इन कॉफी एंड टी फाउंड नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लूकोज और HbA1c लेवल। इंडिया के अंदर एक रिसेंट स्टडी की गई है जिसमें सुक्रोस और टेबल शुगर को रिप्लेस करके हम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज कॉफ़ी और टी में कर सकते हैं, जिसके हमारे हेल्थ पर ग्लूकोज लेवल जो होता है उससे रिलेटेड कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इट मीन्स एक आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसको सुक्रालोज कहते हैं, अगर लोग कॉफ़ी या टी के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं शुगर या ग्लूकोज की जगह, मेनली हम शुगर यूज करते हैं टी और कॉफ़ी के अंदर, तो इसके सब्स्टिट्यूशन के तौर पर हम सुक्रालोज को यूज कर सकते हैं। इससे हमारे बॉडी के ग्लूकोज लेवल पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स कैन हेल्प इन कटिंग डाउन कैलोरी शुगर इंटेक एंड इंक्रीज डायट्री कंप्लायंस। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स का अगर हम यूज करते हैं, इट मीन्स हम सुक्रालोज का अगर यूज करते हैं, तो इससे हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल कम किया जा सकता है और साथ में डायट्री कंप्लायंस को भी इंक्रीज किया जा सकता है। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज इज अ क्रोनिक डिजीज दैट अकर्स व्हेन द पैनक्रियाज कैन नो लॉन्गर मेक इंसुलिन और द बॉडी कैन नॉट मेक गुड यूज ऑफ इंसुलिन इट प्रोड्यूस। डायबिटीज एक क्रोनिक डिजीज है। ह्यूमन बॉडी में जब पैनक्रियाज इंसुलिन मेक नहीं कर पाता है, या बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रहा है लेकिन उसको यूज नहीं कर रही है हमारी बॉडी, तो इस सिचुएशन को हम डायबिटीज बोलते हैं। इंसुलिन इज एन इम्पोर्टेंट हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस और यूज इंसुलिन इफेक्टिवली लीड टू रेज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड नोन एज हाइपर ग्लाइसिमिया। इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस और यूज इंसुलिन इफेक्टिवली लीड टू रेज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड नोन एज हाइपर ग्लाइसिमिया। अगर हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या बॉडी के अंदर इंसुलिन है लेकिन इफेक्टिवली तरीके से उसको लीड नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से ग्लूकोज लेवल ब्लड का रेज हो सकता है। क्योंकि इसमें टू टाइप की प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम यह है कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, एक प्रॉब्लम बन रहा है लेकिन बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पा रही है, तो इससे हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हम हाइपर ग्लाइसेमिया बोलते हैं। ओवर द लॉन्ग टर्म हाई ग्लूकोज लेवल कैन कॉज डैमेज टू द बॉडी एंड फेलियर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यू। ग्लूकोज लेवल अगर हमारे बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म तक हाई रहता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी डैमेज हो सकती है और बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज फेलियर हो सकता है। डायबिटीज इज अ मेजर कॉज ऑफ किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड लोअर लिम्स एम्पुटेशन। डायबिटीज की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज का कितना टाइप होता है? मेनली थ्री टाइप होता है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, नंबर 3 गेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज, दिस इज अ कंडीशन इन विच आवर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय इंसुलिन मेकिंग बीटा सेल्स इन आवर पैनक्रियाज। इन दिस सिचुएशन आवर बॉडी प्रोड्यूस वेरी लिटिल और नो इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज एक हमारे बॉडी की ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम पेनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन मेकिंग बीटा सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इस सिचुएशन में हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। टाइप 1 डायबिटीज रिक्वायर डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल अंडर कंट्रोल। टाइप 1 डायबिटीज अगर किसी पर्सन को है तो अपने ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए डेली एडमिनिस्ट्रेशन और
इंसुलिन को मेंटेन करना होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज बिकॉज इट इज यूजुअली डायग्नोज्ड इन चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। चिल्ड्रन और यंग पीपल के अंदर टाइप 1 डायबिटीज बहुत ज़्यादा है और इसको इसलिए हम जुवेनाइल डायबिटीज के तौर पे भी हम इसको जानते हैं। सिम्टम्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, कॉन्स्टेंट हंगर हो सकता है, विजन चेंज हो सकता है, फैटी हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज अकर्स ड्यू टू इन इफेक्टिव यूज ऑफ इंसुलिन दैट अवर बॉडी प्रोड्यूस। मोर देन 95% ऑफ पीपल विद डायबिटीज हैव टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज तब होता है जब किसी पर्सन के अंदर इंसुलिन जनरेट हो रहा है बट उसको इनफेक्टिव यूज किया जा रहा है। इट मीन्स उसका अगर यूज नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, इट मीन्स अगर वो इंसुलिन बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस नहीं कर रहा है तो इसको हम टाइप 2 डायबिटीज में काउंट करते हैं। और इंडिया के अंदर 95% जो डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज लार्जली ड्यू टू एक्सेस बॉडी वेट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। टाइप 2 डायबिटीज होने का पॉसिबिलिटी तब होता है जब एक्सेस बॉडी वेट हो जाता है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, यानी फिजिकली कोई वर्क नहीं किया जा रहा है। सिम्टम्स में भी सिमिलर टू दो जो टाइप 1 डायबिटीज बट आर ऑफन लेस मार्क्ड। सिम्टम्स टाइप 2 डायबिटीज के वही हैं जो टाइप 1 के हैं बट टाइप 2 में थोड़ा सा कम सिम्टम्स होते हैं। नंबर 3, गेस्टेशनल डायबिटीज GDM। दिस इज अ टाइप ऑफ डायबिटीज दैट कंसिस्ट ऑफ हाई ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इज एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लिकेशन फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। गेस्टेशनल डायबिटीज मेनली प्रेगनेंट वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम पर स्टार्ट होता है और उसके बाद ये मदर एंड चाइल्ड दोनों के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। गेस्टेशनल डायबिटीज यूजुअली डिसअपियर आफ्टर प्रेगनेंसी बट वुमेन अफेक्टेड एंड दियर चिल्ड्रन आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज लेटर इन लाइफ। गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है वो प्रेगनेंसी डिसअपियर के बाद डिसअपियर हो जाता है बट अगर किसी को मदर या बेबी को अगर गेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है तो उसको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांस इन फ्यूचर ज़्यादा बन जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।